चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मानव विकास सूचकांक 2020। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है और मानव विकास सूचकांक 2020 में अन्य देशों की और भारत की क्या स्थिति है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है और किस आधार पर सभी देशों को रैंकिंग दी जाती है, यह चर्चा में क्यों है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 189 देशों में मानव विकास सूचकांक की सूची में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत इस लिस्ट में 130वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया है। 1990 से लेकर 2019 तक भारत की स्थिति में लगातार सुधार आया है, जहां 1990 में भारत 0.429 अंक दिए गए थे, वो 2019 में बढ़कर 0.645 हो गए हैं। इस अवधि में इस इंडेक्स के मूल्य में 1.42 की वार्षिक औसत से वृद्धि हुई है। इस इंडेक्स में अन्य देशों की स्थिति क्या है। मध्यम श्रेणी में भारत के साथ 36 और देश हैं, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इंडेक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर स्थिति श्रीलंका की है, जिसे 0.782 अंकों के साथ बेहतरवें स्थान पर रखा गया है। वहीं मालदीव्स को 95 पायदान पर जगह मिली है। नॉर्वे 0.957 अंकों के साथ इस सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि उसके बाद आयरलैंड और स्विट्जरलैंड का नंबर आता है। पूर्वी अफ्रीकी देश बुरुंडी को इस इंडेक्स में अंतिम स्थान दिया गया है। वो 0.433 अंकों के साथ 185वें स्थान पर है। अन्य अफ्रीकी देश बुर्किना फासो और सियेरा लियोन 182वें और माली 184वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। चार प्रमुख HTI संकेतकों में 2018 की तुलना में 2019 में भारत के प्रदर्शन में सुधार आया है, जहां 2018 में जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष थी, वो 2019 में बढ़कर 69.7 वर्ष हो गई है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है। 2018 में प्रति व्यक्ति GNI $6,427 थी और 2019 में बढ़कर $6,681 हो गई है। शिक्षा के प्रत्याशित वर्षों में 2018 और 2019 में यह 12.2 पर स्थिर है। यह आंकड़ा 1990 में 7.6 वर्षों का था। पिछले वर्षों में इसमें काफी सुधार आया है। भारत में पुरुषों और महिलाओं के विकास में काफी असमानता है। इस इंडेक्स के अनुसार जहां पुरुषों को 0.699 अंक दिए गए हैं, वहीं महिलाओं के विकास को 0.573 आंका गया है। पुरुषों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $10,702 आंकी गई थी, वहीं महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2,331 थी। नए जुड़े दो संकेतकों में भारत की स्थिति शेष विश्व से काफी बेहतर है। भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2 टन है, यह वैश्विक औसत 4.6 टन से काफी कम है। प्रति व्यक्ति घरेलू सामग्री की खपत प्रति व्यक्ति 5.5 टन है, जो कि वैश्विक औसत 12.3 टन से काफी कम है। मानव विकास सूचकांक के बारे में। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाने वाला वार्षिक इंडेक्स है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय संबंधी मानकों के आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष इसमें 2 नए घटकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और मटेरियल फुटप्रिंट को भी
जोड़ा गया है, जिससे धरती पर बढ़ते मानवीय दबावों को भी आंका जा सके। इस सूचकांक को सबसे पहले 1990 में जारी किया गया था। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।